कुछ हैबिट्स है जो आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आपके अंदर लानी पड़ेगी। फर्स्ट हैबिट है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी इस लेवल की कि आपको रोज 10 घंटे बैठना है तो बैठना है। यू हैव टू सिट एंड प्रिपेयर। अगर आप सोचोगे नहीं मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैं तो रजनीकांत का छोटा भाई हूं, तो फिर अगर आप 4 घंटे भी पढ़ लेंगे ठीक है और बहुत स्मार्ट भी है आप, तो आपको सफाई नहीं कर पाएगा। आपको 10 घंटे बैठना ही है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं, आपको बुक्स पढ़नी है। तो पहली चीज, पहली हैबिट आपकी क्या रहेगी, आपको यहाँ पर बैठने की आदत डालनी है। दूसरी हैबिट जो आपको डालनी है वो ग्रुप वर्क की आदत डालनी है। कॉपरेट विद ईच अदर। मैं स्टेटमेंट कहता हूँ आपको हकीम नहीं बनना है, हकीम नहीं बनना है। और हकीम क्या करता है, हकीम अपना नुस्खा किसी को नहीं बताता। हकीम की खास बात क्या रहती है, वो ट्रीटमेंट दे देगा लेकिन नुस्खा किसी को नहीं बताएगा। सो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हकीम हूं और मैं भी अपना नुस्खा किसी को नहीं बताऊंगा और मैं इसे पास हो जाऊंगा तो आप कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो याद रखिए आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आपको अपने फ्रेंड के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा और मेरे रूममेट का शेख सलमान। ही हैज सिक्योर्ड 339th रैंक ऑल इंडिया, आई हैव सिक्योर्ड 326th रैंक ऑल इंडिया। हम दोनों रूममेट है, एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, हम दोनों को ऑप्शनल सेम है। इंटरव्यू का कॉल भी हम दोनों को आया तो हम लोगों ने साथ में तैयारी की, उसको अलग पैनल, मेरा अलग पैनल ठीक है। हम लोगों ने मेंस जब एग्जाम लिखा है सेम सेंटर पर जाकर लिखा है, रोहिणी दिल्ली में हमारा सेंटर पड़ा था, हम दोनों साथ जाते थे, साथ हम लोग ऑफिस आते थे, हमारी प्रिपरेशन लगभग सेम रही, हमने इन्फॉर्मेशन बहुत एक दूसरे के साथ शेयर की, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन दिया। जब मैं देखता था सुबह 4 बजे उठ करके सलमान पढ़ रहा है तो मैं कैसे सो पाऊंगा, बिकॉज इज में कॉम्पिटिशन, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन। और अगर मैं मार्क्स आपको बताऊँ कि ग्रुप स्टडी और पॉजिटिव कंपटीशन का फायदा क्या होता है, वी बोथ हैव सिक्योरिटी प्लेसेस, हम दोनों को रैंक मिला अच्छा। फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे है 171 मार्क्स, मेरा इंटरव्यू लिया है भोसले सर के पैनल में, सलमान का इंटरव्यू लिया है जोशी सर के पैनल में, सलमान को भी 171 मार्क्स। दूसरा मेंस में मुझे है 450 मार्क्स इन जीएस, सलमान को है 449 इन जीएस। तीसरा मुझे ऑप्शन में है 261, सलमान को है 267। एसए में मुझे है 143, सलमान को है 135। सो मोर और लेस हम लोगों के मार्क्स में सिर्फ 1 मार्क का डिफरेंस है, मेरे है 1021, सलमान के 1020, मेरा रैंक है 326, उसका 339। तो क्या हमें से किसी ने दूसरे की पोजीशन ली नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने, हम हकीम नहीं बने, हमने इंफॉर्मेशन शेयर की। तीसरी हैबिट वो है जल्दी करने की। Make lots of mistakes here in while sitting here in classroom. आपकी जो टीचर है उनके सामने आप मिस्टेक्स कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए उसमें आप मिस्टेक्स कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो एग्जाम हॉल में कुछ करिश्मा हो जाएगा और एग्जाम हॉल में जाके मेरे सारे सही आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे तो वो कभी नहीं होगा। आपको मिस्टेक्स करने पड़ेंगे, बहुत मिस्टेक्स करने हैं, सो दैट एग्जाम हॉल में जब आप जाओ तो बिल्कुल आप एटलीस्ट नियर परफेक्ट बन के वहां पर पहुंचो।